ते खबर मोगा तो जिथे भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुर वालों धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। किसानों से एससी एसटी तहत होए दर्ज मामले नूं रद्द करवाउण दी मंग की जा रही है। किसानों वालों लगाए गए धरने का नतीजा दिन है। सूबा प्रधान जगजीत सिंह डल्लेवाल ने चेतावनी दी है कि जदों तक मंगा पूरिया नहीं होणगियां रोड जाम जारी रहेगा। सो वड्डी खबर मोगा तो जिथे किसान यूनियन वालों धरना दिता गया, किसानों से एससी एसटी एक्ट तहत दर्ज मामलों नूं रद्द करवाउण दी मंग की जा रही है। भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुर वालों रोड जाम भी किया गया ते सरकार नूं चेतावनी दी गई है कि जदों तक मंग पूरी नहीं होंदी ये प्रदर्शन इसे तरह चलता रहेगा। दसण योग है कि अज इस प्रदर्शन का तीसरा दिन है। सो किसानों वालों समय समय से अपनियां मंगां नूं लैके प्रदर्शन किए जाते रहे ने। तमाम मसले ने किसानों के जिन्हों के हल की लोड़ है ते किसान भी प्रमुखता दे नाल अपने मसले चुकते नजर आते हैं। तो ताज़ा मामला जो भारतीय किसान यूनियन ने मोगा दे विच प्रदर्शन किया है, जारी है प्रदर्शन, अज तीसरा दिन है। तो किसानों से एससी एसटी एक्ट तहत दर्ज परचे रद्द करवाउण की मंग की जा रही है। तो नाल ही सरकार को चेतावनी भी दे दी गई है कि जदों तक मंगा पूरिया नहीं होणगियां उदों तक यह प्रदर्शन जारी रहेगा। सो भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुर वालों ये प्रदर्शन जारी है, प्रदर्शन का आज तीसरा दिन है। मोगा तो साढ़े सहयोगी नवदीप जुड़े हुए ने, सीधा उन्हों का रुख करांगे। जी नवदीप, रोड जाम किया होया है, आवाजाही प्रभावित हो रही है, कोई पुलिस प्रशासन का अधिकारी पहुंचे या कोई सरकार का नुमाइंदा पहुंचे गलबात लई? बिल्कुल, पहला तो एक बार दिखाना चाहवांगा कि पुलिस प्रशासन जी मुस्तैदी इतने जी हाईवे से मोगा फिरोजपुर हाईवे है, दूसरे पास जो गल कर लीए रुचि तो मोगा लुधियाना हाईवे है, इधर लुधियाने जो रास्ता जाता है तो मुकम्मल तौर पर जाम जरा लगा दिता है भारतीय किसान सिद्धूपुर वालों। तो थाना सिटी वन के बाहर देख सकते हो साफ तौर पर तस्वीर में यह पुल तो उपर की जी है नीचे देख सकते हो किस तरह जरा वा कट जरा वक् वक् जिले तो जरा इतने किसान कट्ठे हुए हैं। पूरा मामला एक बार रुचि तुम दस दईए कि कुछ दिन पहला एक मामला दर्ज होया किसान ने उसकी जी उसने दोष लाए थे, पुलिस को रिपोर्ट लगाई थी, उसके घरवाली जी है छेड़छाड़ की गई है एक मास्टर जी वालों बलकार सिंह वालों, तो दूसरे पास बलकार सिंह ने लिखवाया कि उसका जी कुटमार हुई है तो पुलिस वालों क्रॉस परचा दिता गया। बलकार सिंह होर वालों यही कहा गया कि जाति सूचक शब्द जोड़े है वह बोले गए, उस तो बाद पुलिस ने एस सी एस मामला दर्ज किया। उस तो बाद अच चौथा दिन धरने का रुचि एक बार देख सकते हो चौथा दिन धरना जो शामिल हो चुके दिन रात का धरना लगातार। सो अच जो जे एस सी एस टी संबंधी मास्टर है जी है किसी भी तरह की आवाजाही जी पिछों ही डावट जरा किया जा रहा है। मोगा फिरोजपुर मोगा लुधियाना ये दोनों हाईवे मुकम्मल तौर पर एक घंटे तक एक घंटे जाम रहते अगे तक जाम रहते हैं। फिलहाल देखने वाली गल होगा जीडिया ने सरकार इन्हों की मानती है या प्रशासन इन्हों की मंगा जी मानता है उस तो बाद जोड़ा ये खोलिया जाऊगा। नाल दी नाल रुचि एक होर अपडेट दे दिए, कल मंगलवार पूरे पंजाब च जी रणनीति बनाई जा रही है, पूरे पंजाब च जरा इस तरह के रूल्स जी जाम किए जाएंगे, चक्का जाम जरा किया जाऊगा। नवदीप जी हो सकता है तो किसानों के नाल गलबात की जाए? ਕਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਿਉਂ ਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਪਾਈ ਆ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਭ ਉਹ ਕਰਾ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹਰ ਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕਰੀ ਗਿਆ।
ਮੋਗਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੋਗਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹਾਈਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੱਕ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਆਇਆ ਹੁਣ 452 ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ 452 ਲਾ ਲਓ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ रुचि देखो बसा जसा जोड़िया जा रही ने। रोड बिलकुल बंद कर दिता गया किसान वालों मंगा नू लेके आड़े ने एस एच ओ ते डी एस पी साहबान ते नवदीप पूरे मसले का जेकर जल्द इंसाफ नहीं मिलता तो किसान की अगली रणनीति की है? बिलकुल रुचि पहले जी नवदीप शुक्रिया तमाम जानकारी ते सांझ पाउण दे लई।